हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में यही हम टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हमने इसका एग्जांपल और कुछ रूल हैं उनको बताया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को निगेटिव चेंज करेंगे तो हमें दो रूल याद रखना है। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है आई राइट ए लेटर। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से डू नाट या फिर डज नाट लिखा जाएगा। तो ये जानिए पहले, डू नाट किसके साथ लिखेंगे और डज नाट किसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आई और बी, यू, दे तथा प्यूरल जो सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, उनके साथ हमें डू नाट लिखना पड़ेगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और दूसरा है ही, सी, एट या नेम होगा, सिंगुलर नाउन होंगे तो उनके साथ हमें डज नॉट लिखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से सभी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो चलिए इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। इसमें पूरे 9 सेंटेंस हैं, आप लोग कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई ही लिखेंगे और इसके साथ हमें डू नॉट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डू नॉट राइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डब्ल्यू आर आई टी, राइट, और ए लेटर एल ई डबल टी ए आर, कंप्लीट। अब देखिए दूसरा है, यहाँ पर सेंटेंस लिखा यू वर्क हार्ड, तुम कठिन काम करते हो। तो यहाँ पर यू तो लिखा ही जाएगा यू, अब यहाँ पर डू नॉट जोड़ देंगे, डू नॉट और वर्क हार्ड, ये सेम लिखेंगे वाकई इस तरह से। ये भी हम सभी के एग्जांपल लिए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के। यहाँ पर देखिए दे होता है, आई बी यू दे होगा, तब हमने बताया डू नॉट लगेगा। तो यहाँ पर दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको निगेटिव में करेंगे तो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर दे बाय मैंगोज, वे आम खरीदते हैं, तो निगेटिव करेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, वे आम नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दे डू नॉट बाय, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट चेंज रहता है, बस इतना ही लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट बाय मैंगोज, सिंपल सेंटेंस है, एम ए एन और जी ओ ई एस मैंगोज, कंप्लीट। फिफ्थ वाला देखिए, यहाँ पर लिखा है राम एंड मोहन गो टू मार्केट। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर बहुवचन हो गया है, तो इसको बनाएंगे राम रामा एंड मोहन, यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है एम ओ एच ए एन, मोहन डू नॉट, इसमें भी डू नॉट लगेगा, डू नॉट गो टू आगरा ए जी आर ए, कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट है सिक्स वाला एग्जांपल, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सिक्स वाला एग्जांपल लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर हमने बताया था ही सी एट नेम होगा, तब डज नॉट लिख देंगे। तो यहाँ पर ही डज नॉट हो जाएगा, निगेटिव में करेंगे तो डज नॉट प्ले, और यहाँ पर ये यस नहीं लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए सेवन वाला है, सी वॉच इन गंगा, इन द गंगा, वह गंगा में नहाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा वह गंगा में नहीं नहाते हैं, तो सी डज नॉट लिखेंगे, सी डज नॉट नहाना, बॉथ बी ए टी एच,
आगे यस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ई लगा सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं ई नहीं लगाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, दोनों सही रहते हैं। इन द गंगा, जी ए एन जी ए, गंगा हो गया। आगे लिखा है एट वाला, द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखनी है, पक्षी नहीं उड़ते हैं, तो निगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर द बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड लिखा है, यस नहीं लगा है, पक्षी एक ही है, तो यहाँ पर बर्ड डज नॉट फ्लाई या फेल वाई, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नाइन वाला है लिखा, इट रन्स ऑन द रोड, यह सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ पर यह सड़क पर नहीं दौड़ता है, ये लिखेंगे तो इसका हो जाएगा, चेंज करेंगे तो इट डज नॉट रन, यहाँ पर यस नहीं लगेगा, रन ऑन द रोड, आर ओ ए डी, इस तरह से बन जाएगा। लास्ट है यहाँ पर, सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है या बनाती है, तो यहाँ पर सीता खाना नहीं बनाती है, ये लिखना है, तो इसमें हो जाएगा सीता डज नॉट कुक फूड, तो इस तरह से 10 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। 5 एग्जाम्पल थे उसमें डू नॉट लगा है, और 5 जो थे उसमें डज नॉट लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और हमने प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के सभी सेंटेंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या फिर चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।